इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। कोरोना संकट पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त एम्स के ट्रामा सेंटर में पहुंचे हैं। एम्स में हेल्थ मिनिस्टर मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं। आज सुबह सुबह डॉक्टर हर्षवर्धन अचानक एम्स पहुंचे और डॉक्टर्स के साथ बेहद अहम मीटिंग की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा की, साथ ही ये भी जाना कि इस वक्त डॉक्टर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, क्या परेशानी आ रही है, हर अपडेट लिया। और सहयोगी गोनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो लगातार इस खबर पर सुबह से हमें अपडेट दे रही हैं। गोनिका, फिलहाल क्या अपडेट है? हमने देखा सुबह से एम्स पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री, पहले डॉक्टरों से मुलाकात की, फिर जो ट्रॉमा सेंटर के पेशेंट्स हैं उनसे मुलाकात की। देखिए, बिल्कुल, ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन अभी भी अंदर मौजूद हैं और पूरा एक घंटे से ज्यादा वक्त उन्होंने कोरोना वार्ड तमाम डॉक्टर हर्षवर्धन और हेल्थ मिनिस्टर ने एक इमरजेंसी विजिट ये की है, जिससे कि वो डॉक्टर्स की परेशानी भी समझ सके और मरीजों का हालचाल भी जान सके। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर से आ रही है, जहां पर मरीजों से हालचाल जानने के लिए आप देखिए पूरे पीपीई किट में है, वही किट जो डॉक्टर्स और स्टाफ पहनकर काम करते हैं। तो एम्स में डॉक्टरों से ना सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात की, बल्कि ट्रॉमा सेंटर भी गए और मरीजों का भी हालचाल जाना, कोविड मरीजों का। मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोनिका, क्या पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, अभी पीपीई किट पहनकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरे कोरोना वार्ड और कोरोना आईसीयू का जायजा लिया है और अब वो अंदर चेंज करने गए हैं, यानी कि पूरी तरह फ्रेश होकर पीपीई किट में उन्होंने अंदर कोरोना आईसीयू के अंदर एक घंटे से ज्यादा बिताया, इसलिए खुद भी संक्रमण का शिकार ना हो और किसी और को भी ना कर पाए, इसलिए अब वो पूरी तरीके से फ्रेश होकर ही आकर मीडिया से बात करेंगे। और इससे पहले भी उन्होंने मीडिया से बात की और पूरा भरोसा दिलाया कि कोरोना को लेकर जो स्थिति है उसे किस तरीके से काबू पाया जाएगा। और फिलहाल एम्स पे आज उनकी विजिट थी और ऐसी ही विजिट उनकी आने वाले दिनों में कई कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में होंगी, जहां पर कोविड वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर कोविड आईसीयू है। बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत सामने डॉक्टर्स के सामने, और अगर स्वास्थ्य मंत्री खुद जाकर मरीजों का हालचाल जानते हैं तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस भी ना सिर्फ डॉक्टर्स में बल्कि मरीजों में भी आता है कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। शुक्रिया गोनिका पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।